इन्फो इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में आहूजा का एक 700 वाट का सेट है, डबल जोन। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करते वक्त सावधानी जरूर बरतें। आज हमारे पास में यह आहूजा की मशीन रिपेयर में आई हुई है। तो इसमें प्रॉब्लम यह थी कि एक जोन चालू है और एक जोन बंद है, इसके अंदर यह समस्या थी। उसने क्या होगा, ओवरलोड हुई, ओवरलोड के बाद में ये स्विच को ऑन किया तो पूरा एक जोन पूरा का पूरा सेट बंद हो गया, जैसे मेरे को कस्टमर ने बताया था। तो मेरे पास में आने के बाद में मैंने इसको चेकआउट किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम मिली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर है 30-55, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए 30-55, जहाँ ये डीटी लगी हुई है, ट्रांसफर लगा हुआ, इसको पल्स है ना वो जनरेट करता है, तो इसको ऑन करेगा तभी ये सप्लाई अलग अलग है। वापस ये यहाँ पे 7-8 लगा हुआ है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी चेक करते थे तो कंटिन्यू बीप आती थी, बीप की वजह से ये कंटिन्यू, और यहाँ से ये वायर जल गया था। मैंने यहाँ जंप लगाया तो मैंने सीरीज पे काम करता था तो लैंप ऑन हो गया, इसका मतलब आगे शॉर्टिंग की, तो शॉर्टिंग को मैंने पूरा जांच की तो उसके बाद में ये ट्रांजिस्टर खराब नहीं निकले। तो मैंने यहाँ से देखो ये डायोड निकले थे, इन डायोडों को चेंज किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों डायोड खराब थे, ये डायोड को चेंज कर दिया, ये 30% सेम लगा दिया मैंने। ये सब मेरा सेट चालू हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं सप्लाई देख के इसको चेक कर, आप जब भी आप काम करो तो आपको यहाँ से अगर ये सेक्शन में पहले आपको ट्रांजिस्टर का ये आउटपुट नहीं ये सब देख लेना है कि इसकी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सेट के अंदर सप्लाई है। एक जोन तो चालू है तो दूसरा जोन है और दूसरा एक भी फॉल्ट और मिला मेरे को तो आपको मैं दिखाऊंगा। देखो ये कैपेसिटर है वो ये लीकेज है पूरा, दोनों साइड लीकेज है। तो ये मेरे पास में अभी है नहीं है, ये ऑर्डर दिया है, ये कल मैं मार्केट जाऊंगा तो लेके आऊंगा। ये भी देखो ये लीकेज है, ये दोनों लीकेज है पूरे के पूरे। ये देखो ये दो कैपेसिटर है तो ये भी खराब है। ये कितने का लगा हुआ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कितने का है ये, हाँ 63 वॉट का लगा हुआ है। इसके साथ में भी यहाँ पे मैंने लूप करके ये दी सप्लाई, तभी ये शॉर्टिंग बता रही थी तो मैंने ये सब पूरा चेकआउट किया तो मेरे को ये डायोड ही मिला। अब यहाँ पे रेगुलेटर है, यहाँ पे कितना नंबर, ये 7818 है, ये एक रेगुलेटिंग आईसी है, जैसे पासपोर्ट की रेगुलेटिंग आईसी लगती है वैसे ये 18 वोल्ट की रेगुलेटिंग आईसी है। ये मेरा सेटअप चालू हो गया है, कंप्लीट है, एक बार सप्लाई देख के मैं चालू कर देता हूँ। मैंने सीरीज के अंदर ही लगाया है, एक बार ट्यूनिंग करता हूँ मैं। ये देखिए चालू है, आवाज आ रही है, ये देखो कंप्लीट है, यानी ये जोन खराब था, ये जोन है और दूसरा जोन में चालू करता हूँ, दूसरा जोन है। यहाँ पे इसके ऊपर स्पीकर लगा हुआ नहीं है लेकिन ये रीडिंग काम कर रही है। मैंने एक की जोन के लिए, मेरे पास में दुकान के अंदर छोटे स्पीकर है, बड़ा नहीं है, इसके कारण से ये दोनों जोन ये हो गए। सेट हमारा कंप्लीट है, आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और लाइक जरूर करें।